अच्छा बड़ा पढ़ के आज मैं नहीं पूछूंगी क्वेश्चन, जिस दिन पढ़ के नहीं आओगे उस दिन क्वेश्चन पूछूंगी, सरप्राइज टेस्ट। जब पढ़कर आया तो क्या ही पूछे। यार आज तो मैं लूंगी नहीं टेस्ट, आज तुम लोग पढ़ के आओ, चीटिंग हो जाएगी। टेस्ट तो तब लूंगी ना जब पढ़ के नहीं आओगे, फिर बनेगा नहीं, तब तो मजा आएगा। तो आज सब बता दोगे, सारे पढ़कर आए हो। आज ज्यादा पढ़िए कि आज पुराना ले लूं टेस्ट, एकदम पुराना ले लूं। चलो रूट ऑफ एस्पर्म बताओ, चलो बताओ, तुम कहीं रहे हो तो हम पूछ लेते हैं। रूट ऑफ स्पॉन, चलो बताओ। करना ये पढ़ाया है मैंने, बोलो। कहाँ बनता है सबसे पहले, जल्दी बताओ कहाँ बनता है। यस वेरी गुड आकाश, कहाँ बनता है, सामनिफरस ट्रिब्यून में। यस फिर कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा यहाँ से निकल के। यस रेडी वेरी गुड, टेस्टिस देखो आकाश से संबंध है, रिलेटेड टेस्टिस में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा। यस पास है फ्रेंशिया फिर, एपिडिडाइमस अरे ये क्या हो गया, यस उज्जवल ने पूरा बता दिया। सामनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेटेस्टिस, वासेफ्रेंचिया, आब्डिडाइमस, व्हाट्स द डिफरेंस एंड देयर, डिफरेंस यूरेथ्रा है ना। यस चलो ठीक है, यस अब पढ़ाना शुरू करूं नेक्स्ट। यस मैम आज सब पढ़ गया है ना, आज मैम का जोश बहुत हाई नहीं है, ठीक है। अब तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी तो नहीं है। चलो स्टार्ट करें क्लास, आज ये यस कंप्लीट मैम करा बेटा। मैम आपकी आवाज कट रही है। नो है ये भी हो रहा है। नो मैम, नो मैम, मैम जिसको हो रहा है ना वो एक बार रिफ्रेश कर लो जल्दी से। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ना था हमें, मैम मौसम खराब है तो शायद हो रहे हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अच्छा चलो, बारिश है, बढ़िया है यार, बारिश है तो फिर तुम लोगों को तो मजा ही आ रहा होगा। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बेटा कौन सी होती है आपकी, कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है यहाँ पे। टी सेल्स, कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होंगी, प्लीज टी सेल्स इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। चलो आज ये कंप्लीट कराना, और आज मुझे ना आपको प्लाज्मोडियम का पूरा लाइफ साइकिल भी कंप्लीट कराना है, ठीक। फिर यहाँ होता कहाँ है बेटा, ये टी सेल मैच्योर कहाँ होगी, थाइमस में, कहाँ होती है, दैट्स थाइमस व्हाई इट इज कॉल्ड एज टी सेल। बी सेल्स कहाँ थाइमस बनती हैं आपकी, बोन में, क्या बोन मैरो कहलाती है, बी सेल कहलाती है। अब टी सेल्स आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी कौन सी, टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। ये टी हेल्पर सेल्स में क्या होता है, देखो ये सेल है, कौन सी सेल है, ये इट इज योर टी एच सेल, ठीक है, टी हेल्पर सेल है। अब यहाँ पे एक रिसेप्टर पाया जाता है, क्या पाया जाता है इस टी एच सेल्स के ऊपर, एक रिसेप्टर पाया जाता है, ठीक है। क्या कहलाता है ये रिसेप्टर, CD4 रिसेप्टर, कौन सा रिसेप्टर है ये आपका, CD4 CD4 रिसेप्टर। कहीं ये नाम पढ़ा पढ़ा सा नहीं लग रहा है तुम्हें, हाँ यस मैम यस मैम कहाँ यस मैम पे, कहीं एच आई पढ़ा था ये CD4 रिसेप्टर, यस ग्लाइकोप्रोटीन मैम कंबाइन कर रहे थे, कहाँ, यस मैम मैक्रोफेजिस के ऊपर, जब हमने क्या पढ़ा था, एड्स एड्स का साइकिल, एचआईवी का साइकिल पढ़ा था तब पढ़ा था, ठीक है। तो ये यस मैम आपका CD4 रिसेप्टर कहाँ पे पाया जा रहा है, टी हेल्पर सेल्स पे, ठीक है।
चलो टी हेल्पर सेल्स में क्या पाया जा रहा है आपके CD4 रिसेप्टर, रिसेप्टर है तो इनसे कुछ ना कुछ आकर के बाइंड होगा, तो क्या बाइंड होगा आपका एंटीजन वाली सेल्स आके यहाँ से बाइंड होगी। तो यहाँ पे एक सेल होती है उसका नाम क्या होता है बेटा एपीसी, क्या नाम होता है इसका एपीसी। अब इस एपीसी के यहाँ पे क्या पाए जाते हैं MHC मॉलिक्यूल्स, क्या होते हैं यहाँ पे MHC मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो MHC पाया जाता है वो क्लास सेकेंड होता है, कौन सा MHC पाया जाता है क्लास सेकेंड, और रिसेप्टर कौन सा है CD4, तो MHC सेकेंड एंड CD4 दैट मीन्स व्हाट, क्या आपका बना रहे 2 2s 4, याद रखना कंसेप्ट। ठीक है, MHC सेकेंड किससे बाइंड करेगा CD4 से, यहाँ एंटीजन प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स है, इस सेल का नाम क्या है एंटीजन प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ MHC के बीच में क्या पाए जाते हैं आपके एंटीजन, क्या पाए जाते हैं यहाँ पे आपके एंटीजन, ये एंटीजन आएंगे। ठीक है, और ये एंटीजन को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, ये APC रिकॉग्नाइज करेगा, APC के रिकॉग्नाइज करने के बाद जो टी हेल्पर सेल्स हैं, जब ये APC रिकॉग्नाइज करेगा तो ये CD4 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा और ये टी हेल्पर सेल्स क्या हो जाएंगे आपकी एक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब ये APC एंड CD4 रिसेप्टर के बीच क्या होगा बाइंडिंग होगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है एंटीजन प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स, क्लियर। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये क्या करेंगे आपका, जब यहाँ पे कौन बाइंड होगा आपका, व्हेन किसकी किसकी बाइंडिंग होगी यहाँ पे MHC सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे एंटीजन आएगा प्रेजेंट करेगा और ये दोनों आपस में बाइंडिंग कर लेंगे एंड CD4 एंड CD4 बाइंड्स। जब ये दोनों बाइंड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे इंटरल्यूकिन, देखो ये एक सेल है आपकी, इसका नाम क्या है टी हेल्पर सेल, यहाँ पे पाए जाते हैं CD4 रिसेप्टर। एक और सेल होती है जिसका नाम होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब जो एंटीजन आएगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा इस कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो ये जहां पे प्रेजेंट हो रहा है वहां पे कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके MHC सेकेंड, तो MHC सेकेंड एंड CD4 के बीच में क्या हो जाती है आपस में बाइंडिंग हो जाती है। ठीक है, अब जब यहाँ पे बाइंडिंग होगी तो क्या किस चीज का सिक्रीशन होगा, यहाँ बनेंगे इंटरल्यूकिन्स, क्या बनेंगे आपके कुछ सिक्रीशंस होंगे जिनका नाम क्या है इंटरल्यूकिन्स नाम है। ठीक है, अब ये इंटरल्यूकिन्स क्या करेंगे फर्दर आपके साइटोकाइनिन सेल को बनाएंगे, क्या करेंगे ये आपके साइटोकाइनिन सेल्स को बनाएंगे, और साइटोकाइनिन सेल क्या करते हैं कुछ आपकी क्या करेंगे कुछ सिक्रीशन करेंगे जिससे क्या होगा सेल की लाइसिस हो जाएगी। ठीक है, और क्या करेंगे या तो बी सेल को बना देंगे, दूसरा काम क्या करेंगे बी सेल को बनाएंगे, तो बी सेल बनेगी तो एंटीबॉडी रिलीज कर देगी और ये जो भी आपका एंटीजन होगा वो किल हो जाएगा, तो दोनों ही कंडीशन में एंटीजन किल हो रहा है तो सेल के थ्रू ये रिस्पॉन्स जा रहा है, TH सेल ने ये सारे रिस्पॉन्स को एक्टिवेट किया, इज इट क्लियर, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम की कैस्केडिंग कहाँ से हो रही है आपके टी हेल्पर सेल से। ठीक है, अगर TC सेल है आपके टी साइटोकाइंस, ठीक है, ये जो TC सेल्स है इनको टी किलर सेल्स भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है टी किलर सेल्स। अब देखो ये करेंगे क्या, यहाँ पे भी एक TC सेल होगी तुम्हारी, ये कौन सी सेल है TC सेल, इसके ऊपर भी बेटा एक रिसेप्टर पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या पाया जाएगा आपका एक रिसेप्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ होगा क्या, ये रिसेप्टर का नाम क्या है CD8, CD4 के साथ कौन सा MHC आएगा MHC सेकेंड, दूसरा 4 याद रखना। ठीक है, तो दूसरा वाला रिसेप्टर कौन सा है CD8, तो यहाँ पे भी आपका एक एंटीजन प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स होगा, क्या होगा यहाँ पे APC आया जाएगा, इस APC के भी इस रीजन पे क्या होगा आपका एंटीजन बाइंड होंगे, बोलो, यहाँ पे एक एंटीजन होगा। ठीक है, तो ये जो APC है यहाँ पे कौन सा आपका कॉम्प्लेक्स है MHC1, कौन सा है यहाँ पे MHC1, तो यहाँ किसके किसके बीच बेटा कोऑर्डिनेशन होगा बताओ,
CD8 का बॉडी किससे व्हाट हैपेंड, वो कुछ कह रहे थे. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे एक दूसरे के साथ बाइंडिंग करेंगे. क्या हो गया भाई? ठीक है, अब जब ये बाइंडिंग करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये परफोरेट. क्या एंजाइम बनाते हैं? परफोरेट. परफोरेट का काम क्या है, जो सेल्स होती हैं आपके, ठीक है, एंटीजेंस वाली जो सेल होंगी उनमें क्या कर देंगे बेटा, पोर्स का फॉर्मेशन. क्या हो जाता है यहाँ पे, काफी सारे पोर्स बन जाते हैं, और जब पोर्स बनते हैं तो क्या हो जाता है, होल्स जनरेट हो जाएंगे. पोर्स मतलब होल्स जनरेट हो जाएंगे, और सेल की क्या हो जाएगी, लाइसिस. तो यहाँ पे परफोरिन क्या करवा रहा है, अल्टीमेटली लाइसिस ऑफ दी सेल. आई बात समझ में? तो जब ये दोनों बाइंड होंगे तो किस चीज का सिक्रीशन होगा, परफोरिन का, और क्या होगा, लाइसिस ऑफ सेल. दूसरा कंडीशन क्या होगा, डायरेक्ट जैसे ही बाइंड हुआ तो जो सेल होगी आपकी, जो एंटीजन होंगे उनको डायरेक्ट किल भी कर देता है. एंटीजन वाली सेल होंगी उनको ये डायरेक्ट किल भी कर देता है पैथोजन की सेल को. तो डायरेक्ट किल द सेल या पैथोजन. ठीक है, तीसरा क्या होगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन में भी ये काम करता है. ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या है, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो MHC1 है इन्हीं के थ्रू पहचाना जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है आपका, क्या ये ऑर्गन इस बॉडी से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर मैच कर रहा है देन इट विल गो, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा. नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, फॉरन ये MHC यहाँ पे इसको एज अ एंटीजन लेगा और क्या कर देगा, बाइंडिंग करवाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्राफ्ट रिजेक्शन. जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसको ये जो TC सेल्स हैं वो क्या समझ लेंगी, एज अ एंटीजन, और उसको क्या करेंगी, फैगोसाइटोस करना शुरू कर देंगी. ठीक है, उनको उस पूरी सेल को ही किल कर देंगी. ठीक है, तो इस प्रोसेस को ग्राफ्ट रिजेक्शन बोला जाता है. ठीक है, इसीलिए जब भी कोई ट्रांसप्लांटेशन होता है तो किसका किया जाता है, हमेशा ब्लड रिलेटिव्स का. ठीक है, अगर मान लो हस्बैंड को किडनी चाहिए तो वाइफ वाली किडनी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट. ठीक है, उसके बेटे की या भाई की या फिर जो भी ब्लड रिलेटिव्स होते हैं ना उनका ही क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है. क्लियर? यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट स्लाइड पे चले, हैव यू नोटेड डाउन? यस मैम. वैक्सीनेशन नेक्स्ट क्या है आपका बेटा, वैक्सीनेशन क्या होता है आपका बताओ. वैक्सीनेशन क्या है आपका, हम पैथोजन को इंट्रोड्यूस करा के क्या करते हैं, बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कराते हैं. क्या करा रहे हैं यहाँ पे, इंट्रोड्यूस पैथोजन, है ना, और क्या करवा रहे हैं इससे, इम्यूनिटी डेवलप, है ना, एंड डेवलप इम्यूनिटी, यही करते हैं. बोलो. तो एक पैथोजन लिया, उसको बॉडी में डाला, अब देखो होगा क्या. ठीक है, अभी ये जो पैथोजन है, ठीक है, जो आपका मैंने कल एक फास्ट रिएक्शन प्राइमरी रिस्पांस सेकेंडरी रिस्पांस पढ़ाया था, याद है? यस मैम. है ना, जब हमने ये पैथोजन डाला, ठीक है, लेकिन ये पैथोजन बेटा डाल कैसे रहे हैं. ठीक है, पैथोजन या पैथोजन से रिलेटेड कोई सब्सटेंस डाला, कोई प्रोटीन डाला, अब देखो होगा क्या, बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी. ठीक है, अब जब बॉडी इसको रिकॉग्नाइज करेगी तो क्या होगा, बॉडी के रिकॉग्नाइज होने के बाद सॉरी, ठीक है, बॉडी क्या करेगी, इसके लिए एक मान लो बी सेल एक्टिवेट हुई. ठीक है, अब बी सेल क्या करेगी, प्लाज्मा बनाएगी. ठीक है, और प्लाज्मा किसमें चेंज होगा आपका, क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा. एंटीबॉडी बन गया दैट फॉर द दैट पर्टिकुलर पैथोजन, एंटीबॉडी बन गया. अब देखो प्राइमरी रिस्पॉन्स हैज डन, मेमोरी सेल्स भी तो बन गई साथ में, बनी या नहीं,
बन गई। आपको याद रखेंगे कि भाई ये वाला पैथोजन आया था तो हमने क्या किया था, हमने ये वाला एंटीबॉडी बनाया था, अभी उसे याद है। अब अगर सच में आपको उस पैथोजन से एनकाउंटर होता है, वो पैथोजन आपकी बॉडी में आता है, तो इन दैट सिनेरियो बेटा क्या होगा, इन दैट सिनेरियो उसको पता है कि भाई ये वाला पैथोजन जो था ये आया था तो ये वाली एंटीबॉडी बनाई थी, तो आपको स्लो बनाएगा या फास्ट बनाएगा बताओ, फास्ट बनाएगा। तो क्या इन्फेक्शन जो है वो फैलने पाएगा आपका, नहीं है ना, पहले ही से एंटीबॉडी बनी हुई है, रिलीज कर देगा और क्या होगा, आपको प्रिवेंट कर देगा इन्फेक्शन से। ठीक है, क्लियर, क्यों किया जा रहा है ये ऐसा, ठीक। तो ये कैसी इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी है या पैसिव इम्यूनिटी है बताओ, एक्टिव। कैसी इम्यूनिटी है बेटा ये, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, समझ आया। अब देखो तीन टाइप के वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, ठीक है, तीन तरीके हैं जिनके थ्रू क्या किए जाते हैं, वैक्सीनेशन दिए जाते हैं। पहला होता है आपका होल ऑर्गेनिज्म, पहला क्या है टाइप, मैकेनिज्म समझ में आया, प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाना बॉडी में हमारा मैकेनिज्म, ठीक है, हमारा एम क्या है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाए, मेमोरी सेल्स बन जाए, और अब जैसे ही वाकई एनकाउंटर करेगा तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा विच इज वेरी फास्ट, है ना, तो इन्फेक्शन ज्यादा फैलेगा नहीं, यही है हमारा मैकेनिज्म ना। चलो अब देखो दो तरीके का होता है, अगर होल ऑर्गेनिज्म दे रहे हैं, जो पैथोजन है वो पूरा ऑर्गेनिज्म ही डाल रहे हैं बॉडी में, तो दो तरीके से डाल सकते हैं। एक होता है आपका एटीन्यूएटेड, क्या होता है एटीन्यूएटेड। अब एक बात बताओ, अगर हम पूरा पैथोजन डालेंगे तो अब ये सवाल नहीं आया मन में कि भैया इसी से तो बचना था, और डाल भी पूरा पैथोजन रहे हैं तो ये तो जाके पहले ही हार्म कर देगा हमें, ऐसा नहीं आया मन में तुम्हारे कि मैंने बोला कि पैथोजन डाल रहे हैं तो भाई पैथोजन तो जाके पहले ही हार्म कर देगा, तो फिर हमारा वैक्सीनेशन का क्या मतलब जब हार्म हो रहा है। तो देखो यहाँ पे होल ऑर्गेनिज्म को कैसे डाला जाता है, जो उसका इन्फेक्शन कॉज करने वाला पार्ट होता है उस प्रोटीन को क्या कर दिया जाता है, या तो किल कर दिया जाता है, इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, या वीक कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, वीकेंड। ठीक है, तो मतलब अभी क्या ये उतना ही रिस्पॉन्स जनरेट करेगा जितना ये प्रॉब्लम कॉज कर रहा था, नहीं, ये जस्ट क्या करेगा, बस अपने आप को जाके रिकॉग्नाइज करवाएगा कि देखो भाई मैं पैथोजन हूं, मैं ये वाला प्रोटीन बनाता हूँ, बट ये उतनी सीरियस प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि आपकी प्लाज्मा सेल्स एक्टिवेट हो रही है, मेमोरी सेल बन रही है, तो आपके सिम्टम्स जनरेट होंगे। तो जब भी वैक्सीनेशन करवाया जाता है तो क्या होता है, फीवर वगैरह आता है, होता है ऐसा, है ना, होता है आपका रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, किल कर दें भाई, दूसरा तरीका, एक में वीक कर दिया पैथोजन को, दूसरा क्या है, इसको किल्ड कर दें या फिर क्या कर दें, इनएक्टिवेटेड, मतलब ये गया तो है बॉडी में लेकिन ये कोई प्रॉब्लम कॉज ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है आपका, सेकेंड जनरेशन, दूसरा आपका मेथड क्या बोला जाता है, सेकेंड जनरेशन। ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है आपका, सेकेंड जनरेशन वैक्सीनेशन या फिर सब यूनिट वैक्सीनेशन, इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा, सब यूनिट वैक्सीनेशन। समझ में आ रहा है सबको, ये बताओ। यस मैम। यस प्रतिभा, जैसे कोरोना का वैक्सीनेशन लगाया होगा तो क्या हुआ होगा आपको, काफी सारे लोगों को अलग अलग सिम्टम्स शो हुए, किस लिए हो रहे थे बेटा, क्योंकि ये क्या था आपका, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहा था, है ना। ठीक है, अब सब यूनिट वैक्सीनेशन में क्या है, यहाँ पे पैथोजन नहीं डालेंगे, यहाँ क्या करेंगे, पैथोजन नहीं डालेंगे, यहाँ पे क्या डालेंगे, वो पैथोजन जो कि आपका क्या कर रहा था, टॉक्सिन रिलीज कर रहा था, होते हैं ऐसे पैथोजन, कल पढ़ाया है, जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किसको करा देंगे बच्चे, टॉक्सिन को। ठीक है, क्या इंट्रोड्यूस कराएंगे एज ए वैक्सीनेशन, टॉक्सिन, पैथोजन नहीं, उस पैथोजन ने जो टॉक्सिन बनाया था वही क्या करेंगे, यहाँ पे वीक कर दिया, एटीन्यूएटेड मतलब वीक,
ठीक है आपका। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, टॉक्सिन जनरेट करवाए, जो टॉक्सिन जनरेट होता है उसे टॉक्सिन को बॉडी में डाल दिया, ठीक है। अब ये टॉक्सिन क्या करेगा, जाकर के इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा। तो जब भी सेकेंडरी वो आपका पैथोजन आएगा और वो टॉक्सिन बनाएगा तो क्या होगा, आपके पास पहले से ही इम्यून रिस्पॉन्स बना हुआ है, किल कर देगा। समझ आ रही है बात, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, जैसे टिटनेस, ठीक है, या फिर क्या हो गया आपका डिफ्थीरिया, ये सारे कल लिखवाया था ना कि क्या कॉज करते हैं आपके, यस मैम, है ना, टॉक्सिन रिलीज करते हैं। तो इसका टॉक्सिन ही यहाँ पे डाल दिया गया। फिर अगली टेक्निक क्या है आपकी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना, क्या क्या बना दिया यहाँ पे, रिकॉम्बिनेंट बना दिया, ठीक है। मतलब इसको इस तरीके से डाला कि इसका जो कौन सा वाला पार्ट था जो प्रॉब्लम को कॉज करता था, ये हटा दिया, डिफ्थेरिया, DIPTHERIA, ठीक है। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, ठीक है। तो क्या किया, जो उसका डीएनए था उसको रिकम्बाइन करके डलवा दिया बॉडी में, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल है हर्पीस, आया समझ में, एनसीईआरटी रीड कर लिया सबने, अभी रीड द एनसीईआरटी, यस मैम, नेक्स्ट आपका इसी से रिलेटेड हो गया इम्यूनाइजेशन, ठीक है मैम, प्रीवियस स्लाइड, I didn't get your point, का बताओ उसको क्लियर करो बेटा उसमें चैट बॉक्स में, फिर मैं रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। इम्यूनाइजेशन की बात करें तो ये जो इम्यूनाइजेशन दिया जा रहा है वो किस किस टाइप का होता है आपका, मैम प्रीवियस, नहीं बेटा ये इस तरीके से डाला जाता है कि आपका हार्मफुल इफेक्ट को हटा करके बस रिकॉग्नाइज करवाना है, उस प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर ले कि दैट प्रोटीन, और जब भी आपका कोई ऐसी चीज जो बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं है वो आपकी बॉडी उसको कैसे लेती है एज अ एंटीजन, ठीक है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, तो वो उसको रिकॉग्नाइज करके किल करने की कोशिश करेगी। जो ऑटोइम्यून डिसीजेस नाम सुना होगा, ऑटोइम्यून डिसीज सुना है, जैसे आपका डायबिटीज टाइप 1 जिनको हो जाता है, ठीक है, तो जो आपकी लैंगरेज की आईलिड्स बीटा सेल्स होती है उन सेल्स को ही बॉडी फैगोसाइट कर लेती है, उनको ऐसा लगने लगता है कि ये बॉडी जो है ना अपनी ही बॉडी के पार्ट्स को किल कर रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका, ऑटोइम्यून डिसीज, ठीक है, कि अपनी ही बॉडी के पार्ट के लिए क्या ले आया, इम्यूनिटी ले आया, ठीक। तो यहाँ टॉक्सिन हार्मफुल इफेक्ट नहीं शो करते, बट स्लाइटली जब वो बनाएगा एंटीबॉडी तो आपको क्या आएंगे, सिम्टम्स जनरेट होंगे, ठीक। एक सेकेंड देखना बेटा, ठीक है, डन एवरीवन, कर लिया सबने, यस मैम, ठीक है। इम्यूनाइजेशन की बात करते तो पहला इम्यूनाइजेशन आपका कौन सा होता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन,
पहला क्या होगा आपका? पैसिव इम्यूनिटी. ठीक है. सेकंड क्या होता है आपका कि हमने क्या किया यहाँ पे? देखो पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, वो चीजें वो कंडीशन ला रहे हैं जहां से क्या करे बॉडी खुद अपने लिए एंटीबॉडी बनवाए. ठीक है. तो वो इस टाइप की इम्यूनिटी जो क्रिएट हुई, जैसे हमने होल ऑर्गेनिज्म डाल दिया पैथोजन वाला, ठीक है, या टॉक्सिन डाल दिया, तो क्या होगा उस कंडीशन में बताओ? हमने बॉडी के ऊपर डाल दिया सब कुछ, हमने दिया बॉडी को. अब ये बताओ बॉडी क्या करेगा यहाँ पे बताओ? बॉडी जो है ये खुद से रिकॉग्नाइज करेगा पैथोजन को, खुद बी सेल एक्टिवेट करेगा, प्लाज्मा सेल बनेंगी और एंटीबॉडी बनाएंगी, खुद से कर रहा है सारी प्रोसेस बताओ? ठीक है. तो ये पैसिव इम्यूनिटी. दूसरा होता है रेडीमेड. रेडीमेड का मतलब क्या है? जैसे पोलियो वाले केस में करते हैं, क्या करा हमने? पहले से एंटीबॉडी बना के सीधे क्या कर दी? इंट्रोड्यूस करवा दी. ठीक है. आपका क्या करा यहाँ पे? एंटीबॉडी जो है वो क्या होगा आपका? सीधे इंट्रोड्यूस करवा दी. अब ये जो एंटीबॉडी है आपकी, यहाँ बॉडी ने खुद सिंथेसाइज नहीं किया, ये पहले से हमने बनाया और क्या किया? डाल दिया. जैसे प्लाज्मा सुना था डोनेट किया जा रहा था कोरोना के केस में. यस मैम. ना ठीक है. क्या हो रहा था? क्या था? जो पर्सन दे आर सफर्ड फ्रॉम द कोरोना एंड जस्ट रिकवर्ड, तो उनके अंदर एंटीबॉडी बन चुका था. ठीक है. ये उनके लिए तो पैसिव इम्यूनिटी था, ये उनके लिए तो क्या था? पैसिव इम्यूनिटी था. लेकिन अब कोई और बीमार हुआ कोरोना से, वो फाइट नहीं कर पा रहा, इम्यून सिस्टम उतना नहीं बन पा रहा, तो अब क्या किया? उनका ही प्लाज्मा निकाला और डाल दिया किसमें? दूसरे वाले पेशेंट में. तो ये यहाँ पे जो प्लाज्मा इंट्रोड्यूस कराया वो क्या था आपका? रेडीमेड एंटीबॉडी तो थी. ठीक है. तो जो पहले वाले ने खुद से बनाया वो तो आपका पैसिव इम्यूनिटी हो गई, लेकिन जो दूसरे वाले को प्लाज्मा दिया गया वो कौन सी थी? रेडीमेड एंटीबॉडी थी. तो ये रेडीमेड एंटीबॉडी वाला कितनी देर के लिए होगा बताओ? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए. कैसा कहलाएगा? एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगा. क्या कहलाएगा ये आपका? ठीक है. और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा. फास्ट रिस्पॉन्स देगा या स्लो? फास्ट है ना, क्योंकि भाई एंटीबॉडी तो बनी हुई है, जैसे जाएगी बॉडी में पहचानेगी और अपना काम करना शुरू. तो इम्यूनाइजेशन समझ में आया? एक्टिव और पैसिव बोलो. यस मैम. नेक्स्ट हेडिंग डालो एलर्जी. एलर्जी कॉज करने पे कौन सी एंटीबॉडी आपकी सीक्रेट होगी? चलो बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में. नो रितिका, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. यस प्रतिभा, कौन सी आपका बेटा एंटीबॉडी रिलीज होगी बताओ अगर एलर्जी हो रही है तो? जल्दी चैट बॉक्स में रिप्लाई करो. अभी सब लोग बोल रहे थे ना क्वेश्चन पूछिए मैम, वैसे बीच में पूछूंगी. यस, कौन सी वाली होती है आपकी? आईजीई एंटीबॉडी है ना. कैसा स्ट्रक्चर, कितने आइसोटोप, जल्दी से बताओ स्ट्रक्चर कैसा होता है? मोनोमेरिक, डायमेरिक, पेंटामेरिक, तीन ऑप्शन है. मोनोमेरिक. यस, कैसा होगा बेटा आपका? मोनोमेरिक. ठीक है. कितने आपके वो होंगे पैराटोप्स? यस, हाउ मेनी पैराटोप्स आर देयर? यस एग्जैक्टली, देयर आर टू पैराटोप्स है ना. चल पढ़े अभी. तो एलर्जी है क्या आपका? जैसे हमारा इम्यून सिस्टम है उसने कोई बहुत एक्सेजरेटेड रिएक्शन शो कर दिया. ठीक है. इम्यून सिस्टम थोड़े बहुत रिस्पॉन्स तो देता है, जैसे फीवर आ गया. ठीक है, होता है ऐसा. फीवर क्या है? बॉडी टेम्परेचर को राइज कर दिया, स्वेलिंग आ गई. होता है ऐसा, स्वेलिंग आ जाती है कई बार. ठीक है, रेडनेस आ गई, ये सारे आपके सिम्टम्स होते हैं. ठीक, या फिर क्या हो गया कि काफी सारा फ्लूइड एक जगह पे जमा हो गया, ये सिम्टम्स है. अगर कोई आपका ये रिएक्शंस होते हैं
अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक है क्या कर दे, बहुत एक्सजरेटेड रिएक्शन दे दे, मतलब ये तो नॉर्मल रिएक्शन था, ऐसा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा होता है, क्या हो जाता है, बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े रैशेस आ जाते हैं, ठीक है, सुना होगा, एलर्जी हो गई है ना, बहुत हद से ज्यादा इचिंग होना शुरू हो जाती है, बड़े बड़े से रैशेज आ गए, है ना, तो ये क्या है आपका एक्सजरेटेड रिएक्शन बाय इम्यून सिस्टम, ठीक है, कि कोई आपके एलर्जन या कोई हार्मफुल सब्सटेंस की बॉडी में एंट्री हुई और उसका रिएक्शन क्या हो गया, बहुत हद से ज्यादा हो गया, ठीक है, जो क्या करता है, काफी सारे लोगों को नॉर्मली इफेक्ट नहीं करता, एलर्जी सबकी अलग अलग होती है, देयर आर लॉट ऑफ पर्सन हु इज एलर्जिक फ्रॉम द मशरूम, ये बहुत सारे लोग उसको खा रहे हैं, होता है ऐसा, बहुत सारे लोगों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के यहाँ क्या होता है, उस चीज का पेड़ होता है ऐसा, तो यहाँ पे नॉर्मल पीपल में नहीं होती, लेकिन ये कुछ कुछ में क्या हो जाता है, यस, ये कुछ कुछ लोगों में बड़ा एक्सजरेटेड रिएक्शन शो कर देता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, दैट काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड एज एलर्जी, लिख लो, एक्सजरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा के रिएक्शन हो चुका है ना, बाय इम्यून सिस्टम, टू सम हार्मलेस सब्सटेंस, मतलब क्या मशरूम कोई हार्मफुल सब्सटेंस है, बताओ, बट कुछ लोगों को हो जाती है एलर्जी, है ना, तो यहाँ हार्मलेस सब्सटेंस से प्रॉब्लम हो रही है, तो इनको क्या बोला जाता है, एलर्जन, दैट सब्सटेंस इज नोन एज एलर्जन, जो कि नॉर्मली लोगों को अफेक्ट भी नहीं करता, विच डज नॉट अफेक्ट मोस्ट पीपल, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एलर्जी, कौन सी एंटीबॉडी बनेगी आपकी, IgE, ठीक है, अब एलर्जेंस है क्या आपके, मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया, तो फिर से लिखाने की जरूरत है क्या, हार्मलेस सब्सटेंस हैं जो क्या होंगे, फॉरेन फॉर द बॉडी, मतलब बॉडी के लिए वो यूज टू नहीं है, वो क्या है, एक फॉरेन सब्सटेंस है, एंड क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर देते, तो दैट टाइप ऑफ थिंग्स आर नोन एज एलर्जन, ठीक है, बताओ, क्लियर, Yes, ma'am. कोई दिक्कत यहाँ तक, राइट डाउन कर लो फिर बताओ, yes, कुछ लोगों के लिए डस्ट से क्या हो जाती है, उनको जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं उससे भी क्या हो जाती है, एलर्जी होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली इस तरह की प्रॉब्लम पाई जाती है ना, यस मैम, डन एवरीवन, मैम नो मैम, मैम डन हो गया, ठीक, ये डन आपका, अब चलो तुमको ये सारी चीजें आपकी हो गई, ठीक है, हाँ, टुडे आई हैव नो हाई जोश, नहीं जोश है बेटा, तुम लोगों को पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जोश नहीं है, बट टुडे आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट लो, थोड़ा सा एनर्जी लो है, काफी सारी क्लासेस सुबह 10 बजे से हो रही थी इस वजह से, ठीक ठीक है, बाकी बीमार नहीं हूँ मैं, ठीक, ये वाली क्लास थोड़ा सा लेट हो गई ना इसलिए, ठीक है, तुम्हें जोश लो दिख रहा है क्या, अभी मैं तुम्हें आज प्लाज्मोडियम ऐसा पढ़ाऊंगी कि याद ही रह जाएगा,
नहीं नहीं आकाश, टुडे आई एम वेरी फाइन. चलो आज तुम्हें प्लाज्मोडियम का पूरा साइकिल पढ़ा देती हूँ, ठीक है? चलो स्टार्ट करें. डन एवरीवन, सारी चीजें कंप्लीट एक्सेप्ट आपका प्रोटोजोआ डिसीज विच इज मलेरिया. बाकी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर में, तो आज हमारा ये चैप्टर डन हो जाएगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करें. Yes, डालते हैं अटे. अभी जोश से पढ़ाऊंगी. यस, चैप्टर फिनिश्ड. ठीक है, मलेरिया क्या है बेटा? आपका एक प्रोटोजोआ डिसीज है. कौन सी डिसीज है ये? इट इज प्रोटोजोआ डिसीज. जब देखो मैं पढ़ाती हूँ तो मेक श्योर तुम्हारा माइक ऑफ है, ठीक है? वो सही बात है क्योंकि फिर इंटरप्शन होता है बाकी लोगों को. यस, इट इज द लास्ट वन. ठीक है, लेकिन रिपीट आफ्टर मी, माइक ऑफ रखो. लेकिन जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो बोल बोल के पढ़ा करो, याद हो जाता है इससे. और जब रिवीजन करोगे तो तुमको फिर अगर कहीं डाउट होगा ना तो भी तुम्हें थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा. तो मलेरिया क्या है आपका? प्रोटोजोआ डिसीज है पहली चीज, ठीक. दूसरा क्या होता है आपका? इसका पैथोजन कौन है? ठीक है, मलेरिया कॉज कौन करवा रहा है? कौन कॉज करता है मलेरिया आपका? पैथोजन कौन है इसका? प्लाज्मोडियम. वही तो एक प्रोटोजोआ है, इसीलिए इसको प्रोटोजोआ डिसीज बोला जाता है, प्लाज्मोडियम. ठीक है, तो इसका पैथोजन एक प्रोटोजोआ है विच इज नोन एज प्लाज्मोडियम. ठीक है, अब इस प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी तक कौन पहुंचाएगा? तो हमारी बॉडी तक पहुंचाने के लिए कोई कैरियर होगा, तो दैट कैरियर और दैट वेक्टर इज नोन एज व्हाट? कौन? फीमेल मॉस्किटो. फीमेल मॉस्किटो. ऑल आउट लगा लो, वरना क्या होगा? मच्छर काट लेगा और फिर क्या होगा? मलेरिया हो जाएगा, ऐसे ही बोला जाता है. बताओ, तो ये जो वेक्टर है जो ट्रांसमिट कर रहा है, दैट मीन्स ट्रांसमिटेड बाय, तो कौन ट्रांसमिट कर रहा है इसको? एक मॉस्किटो ट्रांसमिट कर रहा है. कौन ट्रांसमिट कर रहा है? एक बहुत ही गंदा लिख दिया, फिर से लिखना पड़ेगा. ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलिस, है ना? कौन कर रहा है बेटा? फीमेल एनोफिलिस कर रहा है, जो कि क्या है आपका? मॉस्किटो. तो ये फीमेल एनोफिलिस, याद रखना नाम है इसका. ठीक है, सेम है वेक्टर एंड कैरियर, ट्रांसमिट हो रहा है जिससे. ठीक है, कैरियर क्या है? जो कैरी करके लेकर जाए. तो वेक्टर ही, ये वेक्टर ही तो हुआ, कैरी करके ले जा रहा है हम तक. ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो आपका लाइफ साइकिल है, ठीक है, यहाँ कितने होस्ट इन्वॉल्व होते हैं? दो होस्ट इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, कितने होस्ट हैं बेटा इसके प्लाज्मोडियम के पास? देयर आर टू होस्ट. कितने होस्ट? दो होस्ट इन अ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. ठीक है, तो प्लाज्मोडियम के पास कितने होस्ट? दो होस्ट. तो डायजेनेटिक क्या बोला जाता है? ऐसे लाइफ साइकिल जो दो जगह कंप्लीट होते हैं तो उनको बोलते क्या है? डायजेनेटिक. अगर एक जगह होता तो क्या बोलते हैं? मोनोजेनेटिक. ऑर्गेनिज्म में पूरा लाइफ साइकिल चलता तो क्या बोलते हैं? मोनोजेनेटिक. अभी क्या बोलेंगे? डायजेनेटिक. तो कितने लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है प्लाज्मोडियम का? दो. क्या क्या चीजें पढ़ ली? मलेरिया एक प्रोटोजोआ डिसीज है, प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है. इसको लेकर कौन जाता है प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी तक? फीमेल एनोफिलिस, मॉस्किटो. और कितने होस्ट में प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है? तो इट हैज डन इन द टू होस्ट. कौन कौन से दो होस्ट है अब देख लेते हैं. तो पहला तो आपका क्या होगा? ह्यूमन. पहला मोड क्या है आपका? पहला होस्ट कौन है? ह्यूमन. दूसरा होस्ट कौन होता है बताओ? मॉस्किटो. दूसरा कौन सा होगा आपका? फीमेल एनोफिलिस. कौन होगा दूसरा होस्ट? फीमेल एनोफिलिस. ठीक है,
अब देखो ये जो ह्यूमन के अंदर आपका कौन सा साइकिल कौन सा फेज कंप्लीट करेगा, अपना एक लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है प्लाज्मोडियम। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, ह्यूमन में। कौन सा रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल फेज कहाँ कंप्लीट होगा बताओ, प्लाज्मोडियम का, ह्यूमन के अंदर, ठीक है। लेकिन लेकिन सेक्सुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा ह्यूमन में, बट कंप्लीट ह्यूमन में नहीं होगा, ठीक है। तो सेक्सुअल फेज स्टार्ट कहाँ होगा बोलो, ह्यूमन स्टार्ट्स बट नो फर्टिलाइजेशन, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। सेक्सुअल फेज का मतलब क्या है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, यही मतलब है बोलो। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या सेक्सुअल फेज कंप्लीट हुआ, नो। तो ह्यूमन के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल फेज को स्टार्ट कर देगा, लेकिन कंप्लीट कहाँ करेगा, फीमेल एनोफेलिस में। तो यहाँ सेक्सुअल फेज कहाँ होगा बेटा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से यही क्वेश्चन आता है कि आपका सेक्सुअल फेज कहाँ कंप्लीट होगा, फीमेल एनोफेलिस में, असेक्सुअल कहाँ होगा, मैन में, ठीक है। डन एवरीवन, लिख लिया बोलो जल्दी। यस मैम। ठीक है, नो मैम। क्यों मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ क्या वंशिका, ये बताओ। मेरे पास तो लाइट है, अच्छी खासी तो दिख रही हो, और कितनी लाइट लगाऊं। चल पहला साइकिल देखते हैं, ठीक है। यहाँ दो साइकिल पढ़ेंगे बेटा हम लोग, कितने साइकिल पढ़ेंगे, दो साइकिल, ठीक है। पहला साइकिल और एक दूसरा साइकिल, ठीक है। तो दो साइकिल कंप्लीट करेंगे, पहला किसका है आपका, ह्यूमन। पहला साइकिल कहाँ होगा आपके, ह्यूमन में। दूसरा साइकिल कहाँ होगा, मॉस्किटो में, ठीक है। कौन से मॉस्किटो में, फीमेल एनोफिलिस, यस बिल्कुल करेंगे पी वाई क्यू। शायद अगर ध्यान से देखो भाई क्या हो रहा है, यस पी वाई क्यू भी करेंगे, ठीक है वंशिका। चलो अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, अब सारा लोग, हर बच्चे का ध्यान कहाँ होना चाहिए, स्क्रीन पे, ठीक है, फिर समझ में नहीं आएगा नहीं तो। अब देखो हुआ क्या, एक मॉस्किटो आया, ठीक है, और इस मॉस्किटो ने आकर के क्या किया, इस ह्यूमन को इन्फेक्ट किया, दैट मींस बाइट की, ठीक है। जब बाइट की तो अब क्या होगा, जो सलाइवा था उस सलाइवा में कुछ इन्फेक्टेड प्लाज्मोडियम के पार्टिकल्स थे, क्या थे वहां पे, आपके प्लाज्मोडियम के कुछ पार्टिकल्स थे जो किसके अंदर आ गए, अभी कहाँ आ चुके हैं, ह्यूमन में। आ रही है बात समझ में, तो दैट पार्टिकल इज नोन एज स्पोरोजॉइट। क्या नाम है इस पार्टिकल का, स्पोरोजॉइट। तो क्या आ गया बताओ जल्दी से, ह्यूमन में क्या आ गया अंदर जब मॉस्किटो ने बाइट किया, तो स्पोरोजॉइट्स। कहाँ था ये स्पोरोजॉइट्स, सलाइवा ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। तो यहाँ पूछा जाता है कि इन्फेक्शन स्टेज फॉर मैन, मैन का इन्फेक्शन स्टेज कौन सा है, तो बेटा यहाँ पे कौन सा है आपका, स्पोरोजॉइट, यही इन्फेक्शन कॉज करेगा ना, तो इन्फेक्शन स्टेज ऑफ स्टेज फॉर ह्यूमन, क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये स्पोरोजॉइट्स आ गए, What?
यस बिल्कुल सही बात आकाश बोल रहा है। अच्छा तो तुम इसलिए आए हो। अरे मैं अच्छा ओके ऐसा है। अरे मैंने ना ओहो आकाश आ रही दिया यस मैम। भाई ये स्कैमर्स का क्या ही सीन है, क्यों आ रहे भाई। चलो स्पोरोजॉइट्स क्या करेगा, चलो जाने दो ठीक है। कोई नहीं सबको म्यूट कर देते हैं ठीक है। अभी अनम्यूट हो पा रहे हो क्या तुम लोग, ये बता दो बस मुझे चैट बॉक्स में बताओ। बस खत्म पानी ठीक है, आने दो फिर जो आ रहा है ठीक। चैट बॉक्स में भी कोई आएगा डोंट रिप्लाई इग्नोर देम। हमें क्या करना है इस टाइम, पढ़ना है ठीक है। चलो खत्म। मॉस्किटो आए बेटा ठीक है, डन एवरीवन, चलो पढ़ाई करते हैं। मॉस्किटो आए, उन्होंने बाइट किया, उनके सलाइवा में थे क्या बेटा स्पोरोजॉइट्स, कहाँ आ गए ह्यूमन बीइंग के अंदर। अब ये स्पोरोजॉइट्स कहाँ जाएंगे, लीवर में ठीक है। कहाँ जाएंगे ये स्पोरोजॉइट्स आपके, लीवर में जाएंगे ठीक है। लीवर की कौन सी सेल में, हिपैटोसाइट्स में। कहाँ जाएंगे बेटा ये आपके, हिपैटोसाइट्स में ठीक है। कहाँ जाएंगे ये, हिपैटोसाइट्स में जाएंगे। अब क्या होगा जब ये हिपैटोसाइट्स में जाएंगे, तो यहाँ कौन सा रिप्रोडक्शन करेंगे बोलो, असेक्सुअल या सेक्सुअल, कौन सा रिप्रोडक्शन करेंगे बोलो। Am I audible or not? आकाश बोल रहा है आवाज नहीं आ रही। I am audible आकाश। Check your connection. I am audible. ठीक है ये hepatocytes आएंगे और करके क्या करेंगे बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन होगा अब यहाँ पे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है क्लियर। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सा, मल्टीपल फिजन। क्या करेंगे ये, मल्टीपल फिजन, बहुत सारे न्यूक्लियस बनाएंगे और फिर सेल में रप्चर करके डिवाइड कर लेंगे ठीक है। क्या करेंगे, मल्टीपल फिजन करेंगे ठीक है। तो इस मल्टीपल ऑफ फिजन को बोला क्या जाता है, शाइजोगोनी। क्या बोला जाता है इस मल्टीपल फिजन को, शाइजोगोनी ठीक है। क्या बोलेंगे इस मल्टीपल फिजन की प्रोसेस को, शाइजोगोनी। अब क्या होगा, अब एक हेपेटोसाइट्स, मान लो ये हेपेटोसाइट्स थी ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आपके न्यूक्लियस क्या हो गए, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। जब ये कई सारा मल्टीपल फिजन कर लिया, भर गया, तो अब क्या होगा, एक सेचुरेशन फॉर्म आएगा और ये क्या हो जाएगा, जब एकदम फिल हो जाएगा तो ब्लास्ट करेगा ठीक है। आकाश को मैं ऑडिबल नहीं हूं, क्यों भाई, ओह माय गॉड, नाउ आई गॉट इट। चलो बोलते रहो भाई तुम ठीक है। हाँ अभी समझ आ गया मुझे भी, यस नो आकाश डोंट टेल देम। चलो
भाई क्या ही है। हाँ हाँ ठीक है आकाश, चलो मेरा और आकाश की बातों का सीक्रेट हो गया। हाँ मानवी नहीं समझा सकती, नहीं समझा सकती, लेकिन आकाश समझ चुका है और मैं भी समझ चुकी हूँ, बस दो ही लोग समझ चुके हैं। चलो ठीक है और होगा उसमें। चलो अभी क्या हो गया भाई, फिर से शुरू करूं क्या ही है। यस जस्ट इग्नोर देम। चलो स्पोरोजोइट्स आए, हेपेटोसाइट्स में आए, वहां पे मल्टीपल ऑफ फिजन किया, आपका स्कैजो गैमी हो गई। अब क्या हो गया, स्कैजो गोनी होने के बाद यहाँ पे जब बहुत सारी सारी समझ गए, सब मैसेज कर रहे हैं, मी ऑल्सो सब कुछ समझ में आ गया कि क्या हो रहा है ना। वेरी गुड, इतनी समझदार बच्चे हैं ना कि क्या ही बताएं हम। चलो अब हिपैटिक सेल क्या हो जाएगी बेटा, रप्चर हो जाएगी, भर गई, फुल हो गई। फुल हो चुकी है तो अभी हिपैटिक सेल क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। ठीक है तो हिपैटिक सेल क्या हो गई बेटा, बोलो। हिपैटिक सेल रप्चर हो गई, फट गई। तो अब जितने आपके अंदर के सेल्स थे वो बाहर आ जाएंगे या नहीं, बोलो। आएंगे और आके कहाँ चले जाएंगे, आपका बाई कॉनकेव एक सेल होती है, कौन सी, आरबीसी। तो सारे कहाँ चले गए, आरबीसी में। कहाँ जाएंगे आप, आरबीसी में। तो आपके लीवर से ये कहाँ पहुंच चुका है, आरबीसी में। यस सिमरन, कहाँ पहुंच चुका है बेटा, आरबीसी में। अब आरबीसी को क्या बोलते हो बताओ, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हो, ठीक है। और मल्टीपल फिजन को क्या बोला जा रहा है, शेजोगोनी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है आपका, इरेथ्रोसाइटिक शेजोगोनी, बोल दे इस प्रोसेस को, बोलो जल्दी। कह सकते हैं इरिथ्रोसाइटिक शेजोगोनी, ठीक है, सही बात है। इरिथ्रोसाइट्स में मल्टीपल फिजन हो रहा है तो इरिथ्रोसाइटिक शेजोगोनी हुई। अब क्या होगा, अब जो आरबीसी है उसमें भी मल्टीपल ऑफ सेल्स बनेंगी और आरबीसी क्या हो जाएगी बताओ जल्दी, आरबीसी विल बी रप्चर्ड। तो आरबीसी क्या हो गई आपकी, अब रप्चर। तो अब जब आरबीसी रप्चर हुई तो इनके अंदर जो मटेरियल था वो भी बाहर आ गया, ठीक है। तो ये जो मटेरियल होता है वो एक टॉक्सिन होता है, क्या होता है बेटा, एक टॉक्सिन। जब यहाँ सेल डिवाइड हो रही थी तो टॉक्सिन बन रहा था, तो इस टॉक्सिन को बोलते हैं हीमोजोइन। क्या बोला जाता है इसको, हीमोजोइन, ठीक है। ये क्या है आपका, हीमोजोइन है क्या, ये बेटा एक टॉक्सिक है, ठीक है, एक टॉक्सिन आपका सब्सटेंस है, ठीक। अब ये जब टॉक्सिन बॉडी में आएगा तो क्या होगा, बॉडी में सिम्टम्स जनरेट होंगे, लाइक फीवर आ जाएगा, चिल्स मतलब ठंड लगेगी, ठीक है, एकदम ठंड दे के बुखार होता है, ठीक है, ठंड दे के बुखार होता है या नहीं होता बताओ, मलेरिया हुआ है कभी किसी को, मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ, नहीं हुआ है। अरे भाई सही है, नो मैम लिख रहे हैं सारे, मलेरिया ही नहीं हुआ तुम्हें कभी। अच्छा प्रतिभा कह रही है हम बीमार बहुत कम होते हैं मैम, हमारा इम्यून सिस्टम टाइफाइड हुआ है, मलेरिया नहीं हुआ। फाइनली यस आकाश, आई चेक इट आल्सो, हाँ टाइफाइड हुआ है, मलेरिया नहीं हुआ है, ठीक है। नो मैम, नो मैम, अरे बाबा एक भी नहीं है जो यस मैम बोल दे, नो मैम। हाँ बिल्कुल आकाश कर दूंगी, चलो भाई मलेरिया नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो मलेरिया में होता क्या है, एक टाइम होता है उसी टाइम पे फीवर आता है, ठीक है, ठंड लगती है और फीवर आने लगता है, फिर फीवर डाउन हो जाता है, फिर उतने ही घंटे उतनी ही देर के बाद फिर से फीवर आता है और फिर से क्या होता है आपका, ठंड लगने लगती है। ऐसा होता क्यों है, देखो आरबीसी रप्चर हुए, हीमोजोइन बाहर आया और हीमोजोइन एक टॉक्सिन है जो क्या कर रहा है, आपके काफी सारे सिम्टम्स को जनरेट करवा रहा है। अब होगा क्या, ये हीमोजोइन वापस से जो बाकी आपकी सही अच्छी वाली आरबीसीज है ना उनमें जाके फिर से क्या करेगा, उनको अगेन अटैक करेगा, ठीक है ना, अगेन क्या करेगा, अटैक करेगा आरबीसीज को, ठीक है। तो अब फिर से क्या होगा,
फिर से ये वाली रप्चरिंग, फिर से मल्टीपल फिजन होगा, फिर से रप्चरिंग होगी, फिर से टॉक्सिन निकलेगा, फिर टॉक्सिन निकलेगा, फिर फीवर आएगा, फिर होगा। तो जितनी बार ये आरबीसी को अटैक करेगा तो हर बार आरबीसी को रप्चर होने में टाइम तो उतना ही लगेगा ना, बोलो जल्दी, उतना ही टाइम लगेगा या नहीं, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, एक ही टाइम पे फीवर आता है। ठीक, अब देखो ये तो पूरा साइकिल हो गया, ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन एक काम और करता है, क्या यहाँ पे क्या बना लेता है, एक और चीज बनाता है। क्या बनाएगा आपका, एक तो ये प्रोसेस हो रही है और एक क्या बनाएगा आपका, गैमिटोसाइट। क्या बन जाएगा यहाँ पे, गैमिटोसाइट। तो ये गैमिटोसाइट है क्या, बहुत ही गंदा हो गया। दूसरा क्या बना रहा है बेटा यहाँ पे, गैमिटोसाइट। ठीक है, ये गैमिटोसाइट क्या है, मेल एंड फीमेल गैमिट्स बनाएंगे। गैमिटोसाइट क्या बनाएंगे, मेल एंड फीमेल गैमिटोसाइट बनाएंगे, लेकिन ये यहाँ पे फ्यूज नहीं करेंगे, बट नो फ्यूजन। बना तो लिया लेकिन फ्यूजन होगा क्या, नो फ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये पूरा साइकिल क्लियर सबको, फिर से देखो एक बार। चलो, मॉस्किटो आया, मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन था पहले से। ठीक है, तो उसके सलाइवा में स्पोरोजोइट्स, अभी स्पोरोजोइट्स कैसे बनते हैं हम नीचे वाले साइकिल में देखेंगे। ठीक है, स्पोरोजोइट्स आए लीवर की हिपेटोसाइट्स में आकर के, इन्होंने इन्फेक्शन किया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, मल्टीपल ऑफ फिजन बढ़ते गए बढ़ते गए, शेजोगोनी हुई, जब एक बहुत सारे अमाउंट में बढ़ गए तो हेपेटिक सेल क्या हो गई, रप्चर। अब उनमें से जो सेल्स रिलीज हुई वो कहाँ चली गई, आपके आरबीसी में। ठीक है, तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, और ये जो आपका मल्टीपल फिजन इसको क्या बोलते हैं, शेजोगोनी। तो इरिथ्रोसिटिक शेजोगोनी होगी। अब जब आरबीसी में बहुत सारा मल्टीपल फिजन हो जाएगा तो ये भी रप्चर होगी, जब रप्चर होगी तो वहां से क्या रिलीज होंगे, टॉक्सिन विच इज कॉल्ड एज हीमोजोएन, फीवर आएगा, चिल्स होंगे, और फिर ये जाकर के यही टॉक्सिन वापस से अगली आरबीसी को अटैक करेगा, फिर आरबीसी में मल्टीपल फिजन होगा, आरबीसी रप्चर होगी, फिर और ज्यादा हीमोजोइन निकलेंगे, और ज्यादा टॉक्सिन बनेगा। क्लियर, बताओ समझ आ रहा है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या आएगी, गैमेटोसाइट्स बनेंगे, लेकिन मेल फीमेल गैमेट बन तो गया, स्टार्टिंग ऑफ द सेक्सुअल फेज हो तो गया, लेकिन क्या फ्यूजन होगा, बोलो क्या फ्यूजन होगा। ठीक है, फ्यूजन नहीं होगा। ठीक, चलो अब देखो अब क्या हुआ, पहले तो मच्छर ने काटा था, पहले मच्छर ने काटा तो क्या किया, इन्फेक्शन दिया। अब क्या होगा, अगर इसी इंफेक्टेड ह्यूमन को कोई और मॉस्किटो आकर के बाइट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो गैमेटोसाइट्स थे वो कहाँ आ जाएंगे, थ्रू द मॉस्किटो, मॉस्किटो के अंदर। आई बात समझ में, अब वो मॉस्किटो जिसके पास ये प्लाज्मोडियम नहीं था, उसने इस इंफेक्टेड पर्सन को बाइट किया, तो अब गैमेटोसाइट किसके अंदर चले गए, मॉस्किटो के अंदर। तो एक बार उसने काटने पे हमें स्पोरोजोइट दिया, दूसरी बार काटने पे गैमेटोसाइट लेकर गया। क्लियर, बोलो जल्दी, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, क्लियर, यस लिख दो जल्दी से, यस लिखो चैट बॉक्स में, यस लिखो अगर डाउट नहीं है, फटाफट, माइक सबके म्यूट है। सोचा था इसके बाद टाइम बचेगा तो क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, कि काम और साथ पूरा टाइम ले लिया। बेटा एक बात बताओ, जब हिपेटोसाइट्स में जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मल्टीपल फिजन हो रहा है, जो आपके टॉक्सिन बन रहे हैं, जो आपके जब बन जाएंगे तभी तो आगे वाली सेल को इंफेक्ट करेंगे। ठीक है, यस आकाश, यही हुआ। ठीक है, गैमेटोसाइट क्या है बेटा, आपका इन्फेक्शियस स्टेज है किसकी, अगर पूछा जाए इन्फेक्शियस स्टेज इन मॉस्किटो ऑफ प्लाज्मोडियम तो क्या आंसर करोगे, गैमेटोसाइट। क्या आंसर करोगे,
गैमेटोसाइट. और अगर इंफेक्शियस स्टेज पूछी जाए फॉर ह्यूमन तो क्या करोगे? स्पोरोजोइट्स. ठीक है, अब ये गैमेटोसाइट्स ने क्या बनाया आपके गैमेट्स? गैमेट्स बन गए. गैमेट्स बने हैं तो फ्यूजन होगा, तो यहां कौन सी प्रोसेस हो गई? अब फर्टिलाइजेशन. सेक्सुअल पार्ट कंप्लीट. तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनता है इन द रिजल्ट? जाइगोट बनेगा. ठीक है, अब ये जाइगोट क्या बनाएंगे? स्पोरोजोइट्स. यही जाइगोट की क्या बनाएंगे आपके? स्पोरोजोइट्स. और ये जो स्पोरोजोइट्स है ये कहां पहुंच जाएगा आपके? सलाइवरी ग्लैंड में. किसके? मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में. कहां पे है ये आपके? आपके नहीं, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में. ठीक है, अब सलाइवरी ग्लैंड में फिर से मॉस्किटो जाके बाइट करेगा, साइकिल चल रहा है. ठीक है, फिर से क्या करेगा? मॉस्किटो जाके बाइट करेगा, फिर दूसरे ह्यूमन को इन्फेक्ट कर देगा. तो आया साइकिल समझ में? ये बताओ, ये तुम्हारा साइकिल है, ऐसे याद रख. ठीक, ठीक है, तो ये वाला साइकिल कौन सा है आपका? ये वाला साइकिल कौन सा है? असेक्सुअल. कौन सा साइकिल है ये ऊपर वाला? असेक्सुअल. ठीक है, और ये वाला साइकिल कौन सा है? दिस वन इज सेक्सुअल फेज. प्लास्मोडियम का सेक्सुअल फेज यहां हो रहा है और असेक्सुअल फेज इज ओवर हियर. ठीक है, नहीं नहीं प्लाज्मोडियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, वरना फिर वो लेके ही क्यों जाता? ठीक है, कहां इफेक्ट करेगा? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि देखो ये जो हिमेजोइन है वो कहां बन रहा है? टॉक्सिन वाला. ये तो ह्यूमन के अंदर बन रहा है, तो टॉक्सिन किसके लिए बना रहा है? ह्यूमन के लिए. यहां तो बस ये क्या कर रहा है? अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर रहा है, स्पोरोजोइट बना रहा है. और स्पोरोजोइट डायरेक्ट थोड़ी टॉक्सिन कर रहा है, तो टॉक्सिन को बनवाएगा. ठीक है, देखो यहां पे क्या हुआ बेटा, देख रहा, गैमेटोसाइट तक क्लियर? किसी ने बोला यस. तनिष्का, गैमेटोसाइट तक क्लियर ना? गैमेटोसाइट के आगे देखो, गैमेटोसाइट जब आके इस मच्छर ने इस ह्यूमन को बाइट किया वापस से, तो गैमेटोसाइट किसके अंदर चले गए? मॉस्किटो की बॉडी में. अब यहां गए तो गैमेट्स बने. गैमेट्स ने किया, मेल और फीमेल गैमेट्स मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ. जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है? जाइगोट. और ये जाइगोट डेवलप होके क्या बनाएंगे? स्पोरोजोइट्स. और स्पोरोजोइट्स कहां आ जाएगा आपके? मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में. अब मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में है स्पोरोजोइट्स. ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं, वो कुछ हो सकता है कि आपका क्या हो रितिका, क्या बोलते सिम्टम्स? ठीक है, ये अभी क्लियर सबको? बोलो जल्दी, चैट बॉक्स में बोल दो भाई. ये स्पैमर जो भी कोई है भाई, वो तुम लोगों में से तो नहीं है ना? चलो भाई गाना सुना के आते हैं, अनम्यूट कर दूं. आकाश बोल रहा है मैम मैं हूँ. अभी ना तुम्हें ही रिमूव करने वाली थी आकाश, में कहो कि तुमने ही वो मुझे बता दिया. त्रिजल बोल रही है हम अपने क्लासमेट के साथ ऐसा नहीं करेंगे, कोई और होगा कर लोगे भाई उसके साथ? नहीं नहीं मान में, मुझे तुम लोगों पे बहुत ट्रस्ट है. ठीक है, एक मिनट को तो मैं शॉक हो गई थी कि आकाश किससे कैसे हो रहा है भाई, फिर उसने खुद ही बताया और फिर उसने उसकी पहचान भी बता दी. ऐसे ही बोल रही थी बेटा, जस्ट किडिंग. ठीक है, दिल पे मत लो. ये चीज क्लियर हुई आज सबको? ये बताओ. ओ भाई सर, तुम लोग तो बड़े इमोशनल हो गए. आई वॉज जस्ट किडिंग. नो नो नो, क्लास तुम्हारी लाइव स्ट्रीम पे रहती है, बताने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं आकाश. ठीक है, रिकॉर्डेड भी तो होती है. चलो ठीक है, फाइनली बेटा ये चैप्टर फिनिश. कल पीवाई क्यू कर ले एक साथ, आज इसीलिए नहीं करवाया. ठीक है, ताकि क्योंकि मुझे आई हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर. एनसीईआरटी पढ़ लोगे? एनसीईआरटी में किसी को कोई दिक्कत?
रितिका बोलिए माय नेबर को हुआ था, पूछ कर आ गई क्या? चलो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, तो अभी जो आज पढ़ाया वो पूरा एनसीईआरटी सब रीड करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डू द पीवाईक्यू। कर लेंगे? नहीं कर नहीं रहे हो क्या? समटाइम इट ड्रग से भी हो जाता है ना, जब आप उस टाइम पे कौन सा वो ले रहे हो, आयरन की हो सकता है टेबलेट दिए हो, क्योंकि आरबीसी क्या हो रहे थे, आरबीसी भी तो डिजेनरेट हो रहे हैं। नहीं एनसीईआरटी में दिया होगा, ये साइकिल बना होगा। यस ऋतिक, आरबीसी रैप्चर हो रहे हैं ना, तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो हो सकता है आयरन के सप्लीमेंट्स दिए गए हो तो उससे। यस कलर, यूरिन कलर नहीं, गायत्री कुछ और ही समझ रही है, यूरिन कलर की बात हो रही है बेटा। तो कभी कभी जब आप आयरन के सप्लीमेंट्स खाते हो तो यूरिन कलर में भी कुछ थोड़ा बहुत वो आ जाता है। ठीक है चलो, तो कल पीवाईक्यू कर ले फिर, ठीक है? ये वाला चैप्टर कंप्लीट, फिर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका? बायोटेक वाला है क्या चैप्टर कल, मतलब इसके बाद नेक्स्ट शायद? ठीक है हाँ, ओनली फॉर दिस चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर करवा दूं? अच्छा क्यों, क्या ही है फर्स्ट चैप्टर में भाई? फर्स्ट चैप्टर में जो चीजें है ना वो मैं इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आधा करवा भी चुकी हूँ, बस उसमें वो बचा हुआ है, जैसे अभी मल्टीपल फिजन और ये सारी चीजें ना, बस उतना बचा है। किसके पीवाईक्यू बचे? सारे चैप्टर के तो करवा डाले हैं पीवाईक्यू, अब कौन से बचे भाई? कुछ नहीं बचा है, ठीक है बस इस चैप्टर का बचा है वही करवाऊंगी। ठीक, इवोल्यूशन का पीवाई क्यों नहीं कराया मैंने? हाँ देखो आकाश बोल रहे करवाया है, वही तो करवाया है भाई। टेस्ट कब है अब तुम लोगों का? बायो का टेस्ट होगा तो माम को नंबर बता देना, ठीक है? आकाश कह रहा है मैं उस दिन बीमार था इसलिए उसे याद है। चलो अगर बायो का होगा ना तो यहाँ तक तो बन ही जाएगा सारा, ठीक है? हाँ एनसीईआरटी डाउट नहीं है वो करवा दूंगी। स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन द फूड रिप्रोडक्शन, ये कौन? अरे भाई चलो अब फिर मैम अपने हिसाब से करें, ठीक है? सारे इजी इजी चैप्टर कर लो क्या, थोड़े टफ वाले करो आप, ठीक है? चलो बाय बाय एवरीवन, ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।